अक्सर आपने कार्डियक हेल्थ के बारे में सुना है, मेंटल हेल्थ के बारे में सुना है, लेकिन आपने एनल हेल्थ यानी गुदे द्वार या मल द्वार के जगह पे यानी एनस का रिश्ते के बारे में, एनल केयर के बारे में क्या ध्यान में रखना है, ऐसा शायद आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एनस का भाग मल द्वार गुदे द्वार का जगह शरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो काफी पेन सेंसिटिव और नाजुक एरिया। यदि इधर कोई बीमारी रहती है तो ये पेन सेंसिटिव एरिया में बहुत काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि रोज बरोज का दिनचर्या, एक्टिविटीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। और यदि इधर कुछ पस या ब्लीडिंग होता है तो बहुत बार आप घबरा भी जा सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एनल हेल्थ केयर टिप्स यानी गुदे द्वार की जगह पर साफ सफाई कैसे करनी है, कैसे इसका ध्यान रखना है और कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको एनल हाइजीन बेटर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल, मैं एक क्वालिफाइड जनरल सर्जन हूँ और एनस की बीमारी का मैं डॉक्टर भी हूँ, जैसे कि पाइल्स फिशर फिशुला जो आमतौर पे बीमारी होती है इस जगह पे। तो ये सब बीमारी का जो जड़मूल रहता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, बढ़ती उम्र है, मोटापा है, डायबिटीज है, और एक जो आपके हाथ में जो चीज़ रहती है वो है एनल हाइजीन। जी हाँ दोस्तों, एनल हाइजीन यानी एनस के एरिया का क्लीनिनेस या साफ सफाई। जब हम एनस के एरिया की बात करते हैं तो अक्सर जब हम इसका क्लीनिनेस या साफ सफाई की जब बात करते हैं तो ये एरिया को बार बार रगड़ना नहीं है। बहुत बार काफ़ी सारे लोग टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं तो टॉयलेट पेपर को घिस घिस के अगर एनस का एरिया क्लीन करोगे तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि आपको फिशर ईजिली हो जाएगा, जलन दर्द ज़्यादा रहेगा। खास तौर पर जब आप फ्लाइट्स पकड़ते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो या फिर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में टॉयलेट पानी का उपयोग नहीं होता, टॉयलेट पेपर का यूज़ होता है, तो काफ़ी सारे इंडियंस वो टॉयलेट पेपर को घिस के साफ करते हैं और उसके कारण फिशर भी हो जाता है और बहुत बार पाइल्स या इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आपको टॉयलेट पेपर यूज़ करना पड़ता है तो आपको सॉफ्ट टॉयलेट पेपर यूज़ करना है या फिर कंप्लीट अल्कोहल फ्री या सेंट फ्री, या फिर आपको जो क्लीन वाटर स्टरल वाटर वाले बेबी वाइप्स है उससे आप यूज़ कर सकते हो एरिया को क्लीन करना। यदि आप इसको सोप वाटर से क्लीन कर रहे हो तो माइल्ड सोप यूज़ करना है जिससे वो एरिया ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाता। इनस को क्लीन करने के बाद, नहाने के बाद इसको सॉफ्ट टॉवल से डैम्प करना है, उसको घिसना नहीं है बार बार रगड़ रगड़ के, तो फिर आपका इनल एरिया में क्लीननेस भी अच्छा रहेगा और इसका हाइजीन भी मेंटेन होगा। यदि इनस के पास कोई बीमारी होती है तो बहुत बार आप खुद उंगली से ऑयल लगाते हो या खुद आप मलम लगाते हो, लेकिन अगर आप विदाउट सुपरविजन यूज़ कर रहे हो तो आपको एक तो पता नहीं कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और फिर आप गलत चीज़ करते हो जिसके कारण बीमारी कभी कभी बढ़ जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बीमारी कुछ और है और ट्रीटमेंट कुछ और चल रही है। बहुत बार पता चलता है कि फिशर का प्रॉब्लम है और हम दवा लगा रहे पाइल्स की, बहुत बार इन्फेक्शन है, पस रसी है, बगंदर हो गया और हम ठीक कर रहे फिशर की दवा से, तो इससे कारण भी आपकी इनर हेल्थ डिस्टर्ब रहती है। यदि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स फाइबर इंटेक ज़्यादा रखते हो, पानी की मात्रा डाइट में ज़्यादा रखते हो, ये एरिया को क्लीन रखने के लिए आप सॉफ्ट टॉवल यूज़ करते हो, टाइट अंडरवार एकदम नहीं पहन रहे हो और आप बेसिक हाइजीन का मेंटेन कर रहे हो तो आपकी इनल हेल्थ अच्छी रहेगी। जनरली हम इनल सेक्स अवॉइड करने के लिए बताते हैं, लेकिन कोई अगर इनल सेक्स एक्टिविटी में एंगेज है तो उसको भी लुब्रिकेंट्स ज़्यादा यूज़ करना है ताकि उधर तकलीफें कम रहेगी पाइल्स फिशर की। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल हेल्थ टिप्स एनस या एनल हेल्थ के बारे में, गुदे जगह के जहाँ पे साफ सफाई हाइजीन कैसे मेंटेन करना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप एनल हेल्थ के लिए क्या ध्यान रखते हो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। धन्यवाद।